हे गाइस, तो आज के माइनक्राफ्ट के वीडियो में मैं उन बेचारे एनिमल्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शेड बनाने वाला हूँ। अभी वो लोग कैसे धूप में सेक रहे हैं, देखो। उन बेचारे लोगों के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत शेड बनाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम मेरे वर्ल्ड में बीज लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हनी बहुत पसंद है। तो देखते रहे इस वीडियो को, आज पूरे वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। अरे तू जा रही, क्योंकि खेतीबाड़ी करने में सब लोग को मजा आता है ना गोलम, देखो। हाँ बोला हो तो भी, एक बढ़िया सा शेड बनाने वाला है, इसीलिए हमें बहुत सारा वुड चाहिए रहेगा, और मैं वुड लेकर भी आया हूँ। ये देखो मैंने ऊपर वाले चश्मे, मेरे विलेज के पीछे ये बहुत बड़ा जंगल है, आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स में, जिसमें कि डार्क ओक के बहुत सारे ट्रीज है। तो उन्हीं ट्रीज को तोड़ तोड़ के मैं इतने सारे लॉग्स लेकर आया हूँ। ये स्टेज भी बना दिया, फेंस भी बना दिया, अब यही सब यूज करके हम लोग शेड बनाएंगे। और ये गोल्ड के टूल्स मैंने गलती से बना दिए थे, अभी इनके वो यूज करना ही है वैसे। और मैंने इतने सारे आयरन के टूल्स भी बना लिए, और ये सब मेरे पास क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉपी मेरे साथ बहुत एपिसोड से है, आपको याद ही होगा पॉपी। और ये जो यार इतनी सारी बिल्लियां पाल रखे है ना, पूरे दिन म्याव म्याव चलते रहते हैं इन लोगों का, थोड़ा भी शांत नहीं रहती है, और ऊपर से इसका हाँ हाँ चालू रहता है। मेरा डॉगी सबसे अच्छा है, बेचारा कुछ नहीं बोलता। तो चलो यार ये सब लेकर, रुको पहले मेरे को ये सब कचरा अंदर डालने दो। लीड तो मुझे चाहिए, क्योंकि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। और हाँ, जिस एपिसोड में मैं फिशिंग करने गया था ना, उस विलेज में मैं फिर से गया और ये सब सैपलिंग लेकर आया। ये अशेशिया अकेकिया क्या जो भी बोलते हैं वो, इसके जो लॉग्स होते हैं ना वो ऑरेंज और ग्रे कलर के होते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसीलिए मैं सैपलिंग लेकर आया हूँ। अभी इन लोगों को भी मैं प्लांट करने वाला हूँ। नहीं नहीं, पॉपी तो चाहिए, पॉपी तो अपना स्पेशल है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और अभी हम लोग जाते हैं हमारी खेती करने के लिए, तुम लोग आओगे क्या? सब लोग नहीं आ सकते, मैं सिर्फ मेरे डॉगी को लेकर जाऊंगा। लेकिन यार क्रीपर ना आ जाए, इसके लिए एक बिल्ली तो एटलीस्ट चाहिए ही, तो हम ये टाइगर बिल्ली को लेते हैं। तो सुबह हो चुके है, क्या खूबसूरत सन है, और हम जाते हैं हमारे फार्म की तरफ। वैसे मैंने मछली क्यों पकड़ के रखी है, और मेरा फार्म ये देखो, मेरे पंपकिंस भी बहुत सारे उग चुके हैं, और ये मैंने थोड़ा सा गाजर प्लांट किया था, ये गाजर उग चुका है शायद से। अरे वाह, उग गया गाजर। मैं ये प्रोटेक्शन के लिए चड्डी ये सब पहन लेता हूँ, और सर तो खुला ही रहने दो, सर दिखना चाहिए ना। तो ये देखो मैंने शुगर केन्स भी प्लांट किए थे, ये भी सब कुछ उग चुका है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी सी आइडिया है, ये जो पानी है ना, इसके ऊपर मैं लिली पैड डाल दूंगा, ताकि मैं इसके ऊपर चल सकूं। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये सब लिली पैड डाल देता हूँ फटाफट, क्योंकि मैं जब भी चलता हूँ ना, सीधा पानी में गिर जाता हूँ मैं। ये हमारे अकेकिया असेसिया के सैपलिंग है ना, उसको हम इधर ही इन्हीं झाड़ियों के साथ प्लांट करता हूँ। सब दूरी दूरी बना के प्लांट करना है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ओके, तो मेरा फार्म बनाने के लिए मुझे पहले जगह बनानी पड़ेगी, और ये जगह मुझे ये पूरा डर्ट साफ करना पड़ेगा। बहुत पकाऊ काम है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करे। ओहो, कितना सारा एरिया साफ हो गया, अभी हमारे पास डर्ट ही डर्ट है। तो भाई इतना सारा, बहुत सारा एरिया साफ हो चुका है। अभी ये जो बीच में गलती से खड्डे आ गए थे, सबको भर देता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ ये डायरेक्शन में मेरा बना दूँ, तो अभी मैं लॉग्स लेता हूँ और ये पूरा एरिया मार्क कर देता हूँ मैं। ये हो गया एक यहाँ पर, बीच में 6 ब्लॉक्स का स्पेस रखूंगा, फिर ये बनाऊंगा। स्ट्रेट लाइन है ना एकदम, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये अपना बेसिक सा एरिया हो गया, अभी इसके ऊपर हम लॉग्स लगाते जाएंगे ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट। अरे लग जा मेरे भाई। तो ये हो गए हमारे 6 स्टैंडिंग पिलर्स। यार सर्वाइवल में ऐसी चीजें बहुत लगाना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर चढ़ नहीं सकते ना ऐसे फटाफट, त्रास है ये त्रास। ये देखो मैं डर्ट लगाया था, इतने में इधर घास भी उग गया। अब मैं शायद से इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा, इतना हाइट बहुत हो गया, इतने में घोड़ा फिट हो जाएगा ना बस। ये मैं इन लोगों के लिए रूफ बना रहा हूँ, ताकि जब उनको धूप से बचना होगा तो वो लोग अंदर घुस जाएंगे, और जब बाहर सेकना होगा तो इधर मैं एक गैलरी भी रख दूंगा। मस्त डिजाइन सोचा है मैंने, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजाइन जैसा सोचा है वैसा बनता ही नहीं है, सोचता कुछ और कुछ और ही बन जाता है। और ये दोनों कब से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं भाई, थक जाओगे तुम लोग। बैठ, तू इधर, तू भी इधर ही बैठ, बैठ। अरे बैठ ना, अभी मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है, पूरा प्रॉपर सीढ़ी बनाना पड़ेगा लगता है। तो वो जो ऐसा डिजाइन है ना, ऐसा वैसा ही डिजाइन मैं इधर छापने वाला हूँ, क्योंकि वो डिजाइन अच्छा दिख रहा है। तो इसके लिए स्टेयर्स जो है मुझे साइडवेज, अरे उल्टा लग गया तू, स्टेयर्स मुझे ऐसे साइडवेज लगाने पड़ेंगे। यस, ये हुई ना बात, यस यस यस, परफेक्ट। और स्टेयर्स खत्म, नहीं भाई बहुत स्टेयर्स है मेरे पास, ऐसा शेप अच्छा दिख रहा है, अच्छा। अभी ऐसे ही फटाफट 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 कंटिन्यू करते जाएंगे हम। यार इसका डिजाइन मेरे को अच्छा बनाना है यार, क्योंकि मुझे मेरे एनिमल्स बहुत प्यारे हैं। सच में यार, आप लोग के एनिमल्स प्यारे नहीं लगते क्या? ऑफकोर्स लगते होंगे, माइनक्राफ्ट के एनिमल्स सभी कितने प्यारे है। ओके, छत बन चुकी है, वाओ, आधी छत बनी है, सॉरी। ये मेरा गोलेम अटका था ना इधर, ये गोलेम किधर गया? पता नहीं कितने एपिसोड से वो अटका था इधर, और अभी निकल गया। वाओ, गोलेम को अचानक से बुद्धि आ गई और वो निकल गया। चलो भाई
फाइनली बहुत सारे स्टेयर्स बन गए, चलिए बाहर। हाई क्रीपर के चेहरे वाले, मुझे लोगों ने बताया कि तू क्लेरिक है, और ये देखो ये गिर गया नीचे। अबे अबे किधर गया, क्या हुआ तेरे को विलेजर? तो चलिए हमारा अधूरा डिजाइन पूरा करते है, और ये अभी से ही बढ़िया दिख रहा है यार, मुझे तो पसंद आया। चलो चढ़ो 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 ऊपर। ए नहीं 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 गिरना मत भाई, फुकट में हेल्थ जाता है इधर। ओके दूसरा लेयर भी हो गया, अभी तीसरा लेयर इसके ऊपर। अरे नहीं रे यार ऐसा नहीं। अच्छा इधर डर्ट डालना पड़ेगा। आता है मुझे भाई लोग, नूब नहीं हूँ मैं। शिट नहीं आता है मेरे को, ये गड़बड़ हो गई। होता है मिस्टेक्स हैपन। अरे सब बराबर लग रहे थे, तू अकेला टेढ़ा क्यों हो गया भाई? बहुत नखरे है तेरे में, बहुत बहुत संभाल के लगाना पड़ता है पूरा कोने में, नहीं तो सब आड़ा टेढ़ा हो जाता है। फिर ऐसा लगता है वो नहीं क्या बच्चे लोग का दांत टूट जाता है ना बीच में से, खिड़की खुली हो जाती है। ये तीसरा लेयर भी हो गया, अभी चौथा लेयर। हाश लग गया, एकदम परफेक्ट दिख रहा है ये। देखा मेरा परफेक्शन, देखा गाइस कितना परफेक्ट से बनाता हूँ मैं। फाइनली हो गया, पूरी छत हो गई कंप्लीट। ये देखो 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 कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी हम नीचे उतरते हैं, नीचे से देखते हैं। ओ वाओ बहुत बढ़िया, वाओ ये तो पूरा मंदिर जैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसको लाइट भी बहुत सारी लगेगी। ओके इतना काफी है, अभी अभी तेरा कुछ काम नहीं है भाई। क्या भाई लोग कैसा दिख रहा है, मस्त है ना एकदम। अभी हमें लगाने हैं फेंसेस, फेंसेस है मेरे पास बहुत सारे है। ओके चलो फेंसेस के गेट भी बना दिए, अब बारी है फेंस लगाने की। ओके गाइस ये थोड़ा अनइवन हो गया था इसलिए पूरा तोड़ रहा हूं मैं, फिर से लगा रहा हूं, क्योंकि फिर जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर एक एनिमल बोलेगा मेरे को कम जगह मिला, उसको ज्यादा जगह मिला। ऐसा लड़ाई चाहिए नहीं अपने को, सबको इक्वल जगह मिलना चाहिए। ओके मेरी फेंसेस भी खत्म होने आई है, प्लीज इतना हो जा यार, इतना हो जा। हाश हो गया, टंटना इतना फेंस बहुत हो गया। ओके तो मैं और भी बहुत सारी फेंसेस लेकर आया हूँ, हम यहाँ पर गेट लगा देते हैं पहले। ये पूरा पहले स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इधर तक एंड तक, फिर यहाँ पर आएगा एक गेट, और अभी यही फेंस एंड तक कंटिन्यू करते है। ओ उन लिली पैड्स को तो देखो कैसे नाच रहे हैं लोग, पूरा वेव में झूल रहे हैं वो लोग। तो हमारा फार्म रेडी हो चुका है आई थिंक सो। थोड़ा ऊपर चढ़कर देखते हैं कितना अच्छा है हमारा फार्म, क्या मस्त दिख रहा है। वाओ यू नो व्हाट, बीच वाले के लिए ना मैं थोड़ा जगह इधर पीछे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि किसी के साथ भी ना इंसाफी ना हो। अरे ऊपर का लकड़ा भी मैं थोड़ा आगे की तरफ ले लूंगा, इसको हम ये साइड से लगाएंगे। जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट, और ये बीच का स्पेस पूरा स्लैब से भर दूंगा। यहाँ पर बीच में थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर ना स्लैब डाल देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर भी। ओके परफेक्ट, अभी थोड़ा ऊपर जाकर देखते हैं कितना बढ़िया दिखता है, और घूमो उधर, और ओ वाओ मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इधर। ओके गाइस फाइनली मेरा फार्म कंप्लीट हो चुका है, सॉरी मेरा शेड, ये इधर से भी आगे एक्सटेंड कर दिया और इधर से भी सेम एक्सटेंशन बना दिया मैंने। अभी मुझे जरूरत होगी लीड की, अभी सबको लाना है ना इधर। अरे अभी तो शरावण खत्म हो गया है, अभी तो खा सकते हैं। चलो खाओ खाओ मस्त चिकन खाओ। अभी हम लोग सबसे पहले किसको आना है मेरे साथ? नहीं नहीं सबसे पहले गाय को लेते हैं। चलो गाय लोग सब लोग आ जाओ, चलो गाय 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 जल्दी 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 सब लोग आए उसके पहले आ जाओ, चलो चलो। अच्छा दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे क्या? अरे ये डुक्कर 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 डुक्कर, अभी डुक्कर बाहर निकल गया। अरे गाय को छोड़ पहले डुक्कर को लेके जाता है। डुक्कर किधर है? काय रे डुक्कर, बहुत बाहर घूमने का शौक है तेरे को, चल आ जा, चल चल मेरे साथ चल। डुक्कर तेरे को इन सब ये छे छे प्लॉट है इधर, इनमें से कौन सा प्लॉट चाहिए तेरे को? चल बोल। क्या नीचे क्या दिख रहा है, उदास हो गया तू? उधर दिख रहा है, अच्छा ये वाला चाहिए तेरे को, ठीक है चल इसमें डालते है। चल चल ये वाला भी बहुत बहुत अच्छा प्लॉट है, चल चल आजा आजा आजा। यस वेरी गुड, अभी इधर ही रुकना ठीक है, मैं तेरे साथियों को लेकर आता हूँ। एंजॉय योर न्यू होम डुक्कर। ये गाय लोग फटाफट आते नहीं है ना बाहर। अरे 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 फिर से अंदर किधर जा रही है? चल 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 बाहर बाहर बाहर, चले 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 बाहर आइए बाहर आइए फटफट आइए, नहीं तो डुक्कर आ जाएगा। चलिए यस ये दरवाजा बंद, अब दोनों गाय मेरे हाथ में। चलो गाय छह में से पांच प्लॉट बचे, कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, चलो ये वाला देते। चलिए चलिए अंदर आइए, चलिए एक एक करके आइए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब ये प्लॉट तुम्हारा हुआ, ओके एंजॉय। एक मिनट तू इधर आ, रो किधर है? ए डुक्कर डुक्कर रुक 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 रुक, किधर भागता है? अरे ये बारिश का मौसम आ गया, मैंने छतरी भी नहीं लिया है। शिट चलो तुम दोनों को मैं इधर बांध देता हूँ, मैं जाता हूँ सोने के लिए। ये देखो ये देखो ये मेरे ही बेड में जाके सोएगा। रुक 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 तेरी रुक तेरी, मैं मेरे बेड में सोएगा। चलो 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 सुबह हो गई, अभी वो जो डुक्कर बांधे थे उनको पकड़ के लेके जाना है। चलिए डुक्कर अभी मैं गेट खोलूंगा तो ये साथ ही भाग जाएगा, ये इसको मैं दूसरे गेट से लेकर जाता हूँ, दूसरा गेट इधर है। कमांड डुक्कर चलिए चलिए आइए आइए, नए घर में पधारिए। चलिए अब ये लीश तोड़ दिया। ये नहीं
नहीं रुक, ये डुक्कर लोग गाजर खाते ना, एक मिनट गाजर है मेरे पास, ये लो गाजर, चलिए अब हम जाते हैं, एक मिनट, ए डुक्कर बच्चा आया, डुक्कर बच्चा ये ले तू भी गाजर का, बस हो गया और नहीं मिलेगा तुम लोग को, तुम लोग तो पीछे पड़ जाते हो। चलो ऐश करो ब्लैक एंड व्हाइट घोड़ेज, अभी मैं तुम दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ब्राउन घोड़े को लेकर आता हूँ, ब्राउन घोड़ा था मेरे विलेज में, हाय ब्राउन घोड़े, ओ अच्छा ये क्रीपर ने वो दिन फोड़ा था, एक्चुअली ये घोड़ा उस विलेजर का है, अंकल को पूछ के आता हूँ, एक मिनट अंकल आपका घोड़ा लेके जाऊँ क्या, ना बोल रहे क्या वो, अरे हाँ बोला, थैंक यू अंकल, ये देख घोड़े दिस इज योर न्यू हाउस, ये दोनों गेट्स खोल देता हूँ, चला जा, तू बाहर नहीं जाएगा, नहीं, नो, चलो तीन घोड़े हो चुके हैं हमारे, और कोई एनिमल बचा है जो इधर लाना, ये लामा बाकी है, लामा को तो भूल ही गया था मैं, हमारा लामा इधर है इधर, और वेर इज द, ये लामास किधर है, अरे मैंने इधर ही बांधा था, वेयर आर माई लामास, लामा ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं, इतना मेहनत से पकड़ा था मैं, मतलब ट्रेडर को मार के ही पकड़ा था, अभी फूल मैं बाद में लगाता हूँ, सबसे पहले मैं हनी बी ढूंढता हूँ, हनी बी मुझे लाना है, मुझे बहुत फेवरेट है हनी बी, जूम करके दिखाऊं, ये आप लोगों ने पिछले एपिसोड में बोला था कि ऑप्टिफाइन डालो और जूम करो तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, ये हनी बी दिखा, ये मतलब ये बी का क्या बोलते हैं, बी हाइव है शायद से, वाह ये जूम फीचर तो मस्त है यार, बड़ा काम का है, तू क्या खड्डे में गिर गया, ओ ये तो पूरा अंदर तक, एक मिनट पूरा टनल है, तो एकदम डीप टनल है, एक घोड़े बाहर आ जा भाई, हाँ जनरली फूल के आसपास ही बीज आती है लेकिन मुझे बी दिख नहीं रही, अभी बी हाइव को तोड़ते कैसे है, ये रही बी हाय बी, लगता है बी को फूल देना चाहिए हम लोग को, पप्पी देते हैं, बिल को पप्पी देते हैं हम लोग, बी पप्पी ले पप्पी, अभी इसको ऐसे मारना है लेकिन कुछ गिर ही नहीं रहा, तो ये टूट गया लेकिन कुछ मिला ही नहीं, हाय बीज ये लो पप्पी लो पप्पी, लो तुम भी पप्पी लो और तुम भी पप्पी लो, अरे बी तेरे को पप्पी नहीं चाहिए, इसने फूल खा लिया, अरे उसने पप्पी खा लिया, शिट मेरे पास एक ही पप्पी था, तो गाइज मैंने गूगल किया और मुझे पता चला जब तक ये फूल नहीं होता तब तक इसको हम निकाल नहीं सकते, लेकिन ये बीज बहुत ही प्यारी है यार, मुझे चाहिए ये लोग, कोई बात नहीं, बीज को हम अगले एपिसोड में या फिर कभी तो हम लेकर आएंगे, ये वीट कौन खाएगा, ये लोग खाते है क्या, नहीं खाते, गाय भाग भाग के आ गए, देखो ये ले तू भी खा, चलो अभी एक छोटी सी गाय आएगी, छोटी सी, हाय छोटे बच्चे कैसा है, बहुत ही क्यूट है यार ये लोग, डुक्कर बहुत सारे हैं, डुक्कर और कैरेट्स खाओगे तुम लोग, ये लोग खाओ तुम लोग सब लोग खाओ, ये लोग वो देखो क्यूट से बच्चे, इतने छोटे दिख भी नहीं रहे, अरे ये भाई दरवाजा खुल गया, शिट बाहर निकल गया, ये तो नहीं ये तो गलत हो गया, अरे कूद के चला गया वो अंदर, शाबाश वेरी गुड, बच्चों का मुंह तो सेम है सिर्फ बॉडी छोटी है लेकिन क्यूट दिख रहा है, और अपन ने इतने सारे शेड्स बनाए थे, ये शेड्स तो खाली रह गए, और कितने, अरे हाँ शीप है ना, शीप भाई, शीप को कैसे भूल सकता हूँ मैं, अभी जाके हमें शीप ढूंढने पड़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में मेरे को शीप ही नहीं दिख रहा है, मेरे साथ ये अन्याय क्यू, ओ वाओ ये तो पूरा ओशन आ गया इधर, कितना खूबसूरत है ये तो मैं नई जगह पर आ गया, और उधर एक वाटरफॉल भी है, वाओ शीप है क्या इधर, शीप वाओ इधर एक बर्च फॉरेस्ट है, बहुत बढ़िया, और मेरा गांव से बहुत दूर आ गया मैं, रास्ते में खाना तो होना ही चाहिए है ना, चले भाई शीप तो नहीं मिली हमें, ऐसे ही जाते हैं हम लोग, ये रहा मेरा गांव आ गया, चलो भाई लोग अभी इन लोगों के साथ सेल्फी लेता हूं ना मैं एक मस्त, चलो तुम दोनों भी आओ सेल्फी में, एक मिनट तलवार सामने नहीं रखनी चाहिए, क्या पता गलती से लग जाए तो, चले गाइस सेल्फी लेते हैं सेल्फी, चलो सब लोग स्माइल करो, चलो कोई देख ही नहीं रहा कैमरा की तरफ, सब उल्टी दिशा में देख रहे हैं, हाँ ये सिर्फ गाय देख रही है बस, सेल्फी ले लो खचाक, ओके गाइस तो ये था हमारा खूबसूरत सा फार्म जो कि हमने बनाया स्पेशली हमारे एनिमल्स के लिए, वेल बीस तो आज मैं नहीं ला पाया लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में पक्का लेकर आऊंगा, तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही नए फनी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।